आकाश बायजूस भिवानी शाखा के सोहेल पुत्र ओम प्रकाश ने जेईई एडवांस 2023 में 793 अंक प्राप्त कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आज सोहेल को इस उपलब्धि पर बुका देकर सम्मानित किया गया। सोहेल ने बताया कि उसकी कड़ी मेहनत और परिजनों व एकेडमी के सहयोग से ही उसने ये सफलता प्राप्त की है। आकाश एजुकेशन सर्विसेज के रीजनल डायरेक्टर परमेश्वर झा ने बधाई देते हुए कहा कि सोहेल की लगन व मेहनत का ही परिणाम है कि उसने 793 अंक प्राप्त कर भिवानी का नाम रोशन किया है। भिवानी से सरदार कृष्ण सिंह की रिपोर्ट। जितने भी यहाँ पे होमवर्क मिलता था वो करता था, फिर आकाश में एक आर्काइव देते हैं वो जिसमें POIQs होते हैं वो करता था, और उसके अलावा कभी कभी सर एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स भी देते थे तो उन्हें भी कर लेता था। और जो इनके जो टेस्ट होते हैं वो मतलब जो असल में आते हैं उससे तो मुश्किल ही होते हैं, जिससे आपको मतलब वहाँ का एक तरह से एनवायरनमेंट मिल जाता है कि आपको कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं कौन से करने हैं, और अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है कि हम वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और होमवर्क के अलावा अगर आपको पास टाइम मिलता है तो और करना चाहिए, पर होमवर्क मोर देन सफिशेंट ही होता है। जेई मेंस में मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 99.96 परसेंटाइल थी और मार्क्स 267 थे 300 में से। 12th तक कहाँ तक? इस बच्चे की खास बात यह है कि डाउन टू अर्थ है ना, कोई एटीट्यूड नहीं किसी भी तरीके का, बहुत ही पोलाइट है, टीचर के साथ हमेशा ओबीडियंट रहता है, जो भी टीचर ने बोला उसको बहुत ही सीरियसली उस चीज़ को फॉलो किया है ना, जब भी टेस्ट के लिए बोला हमेशा रेडी रहा, चाहे इसमें हमने एक दिन में इसके चाहे तीन टेस्ट लियो तीन तीन घंटे के या दो टेस्ट लियो दो तीन तीन घंटे के, इसने 6 घंटे 9 घंटे हमेशा इसने टेस्ट दिए हैं। तो जो भी बच्चा, मैं सबको ये कहना चाहूँगा, जो भी बच्चा टीचर की बात को फॉलो करता है और एंड तक अपने टीचर के टच में रहता है, गाइडेंस में रहता है, तो वो बच्चा श्योरली जरूर सक्सेस अचीव करता है। बाद भी जो बोर्ड टॉपर जो बच्चे हैं, तो टॉप 50 जो बच्चे हैं, हम उनको भी दाखिला देते हैं कम से कम फीस में। यानी अगर जैसे उसमें अलग अलग स्लैब बना रहता है, जैसे 98 एंड अबव हो गया, 99 एंड अबव हो गया, अगर कोई स्कोर करता है और अफोर्ड नहीं कर पाता तो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाते हैं, राइट। ऐसे ऐसे अलग अलग स्लैब हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि केवल जो संपन्न है उन्हीं के लिए ही है, ठीक है, क्योंकि टैलेंट हर जगह से निकल सकता है, वो आपकी बात सही है, मगर उसका एक हमने मेथड बनाया हुआ है, जो बच्चे का मेरिट जैसी होगा उसी हिसाब से हम उसको उस हिसाब से फैसिलिटेट भी करते हैं। और सर, जो आपका नेट का एग्जामिनेशन का जो था इस साल, 108,000 के करीब अभी तक आ चुका है रिजल्ट, जिसमें 96,000 प्लस बच्चे क्लासरूम से थे अपने, और जो डिजिटल लर्निंग से 11,000 प्लस से बच्चे थे, इसमें जो टॉप रैंक अपना आकाश का इस बार 4 बच्चे हैं जो टॉप 10 में आ रखे हैं, 3rd रैंक 5th रैंक 6th रैंक एंड 8th रैंक, और 29 बच्चे ऐसे हैं जो टॉप 50 में आए हैं नेट के।